जर्नी में कोई ऐसा पल है जो शेयर करना चाहे अपने ऑडियंस के साथ में, फैमिली फ्रेंड? काफी डाइवर्स जिंदगी मेरी हुई है. मैं वन ट्रैक माइंड नहीं हूँ, मतलब मैं क्रॉनिक सिंगर नहीं हूँ. मैं पढ़ता बहुत हूँ, मैं खेलता था काफ़ी अच्छा. अभी आई एम प्रिटी गुड निम्बल विद माय फीट, मतलब मैं एक्टिव आदमी हूँ. तो ऐसी कई चीज़ें हुई हैं जो जिंदगी में मेरी अच्छी कलरफुल जिंदगी रही है. हर तरह के इमोशंस को मैंने जिया है और उसका अनुभव किया है. ऐसे कई चीज़ें हैं. दुख की चीज़ों में मेरी मम्मी का जाना, वो मेरे लिए बहुत बड़ा दुख था. सुख की चीज़ों में मेरे बेटे का पैदा होना, वो उसका पैदा होना देखना, उसको बड़ा करना. और सुख की चीज़ें हैं, लता मंगेशकर जी मुझे बर्थडे में विश कर रही हैं, वो सुख की चीज़ें हैं. बहुत आई हैड अ ब्यूटीफुल लाइफ. ऐसे कई चीज़ें हैं जो मैं याद करता हूँ. बट एक मीम आपके रिलेटेड ना वायरल हो रहा था, जहाँ पे लिखा था कि सोनू निगम मोर डेंजरस देन एआई. हाँ, मुझे इनफैक्ट अरिजीत ने भी मैसेज किया था कुछ दिन पहले, द ओरिजिनल एआई, उससे मुझे भेजा था. क्योंकि कुछ मैं उसने क्या मेरा भेजा था, हाँ अब उस ट्राइंग मैं सुरेश वाडकर जी की नकल उतारा था, तो उसका मुझे मैसेज आया एआई सबसे कोई डेंजरस एआई जो बोला था. अब अभी एआई में तो वो सुरेश भोसले जी भी गए, सुरेश जी भी बहुत भयंकर एआई हैं वो भी. तो ये वो एक्टर्स के उसमें एआई हैं. तो ये तो एक गिफ्ट ही है मेरे ख्याल से. और क्योंकि हम उस गिफ्ट के साथ में लोगों को रीड करता हूँ, मैं मेरा पास टाइम है लोगों को पढ़ना, कोई कैसे चलता है, कैसे बोलता है, कितना बोलता है, कितना झूठ बोल रहा है, कितना सच बोल रहा है. आई एनालाइज पीपल, तो ऐसे में फिर इम्पर्सनेशन अच्छी हो जाती है. बट एआई बहुत डेंजरस हो चुका है सिंगर्स के लिए, बहुत से सिंगर्स के मीम्स बनाए जा रहे हैं. नहीं, ऐसा डेंजरस तो हर चीज़, आग डेंजरस है पर आग से खाना भी बनता है, इलेक्ट्रिसिटी डेंजरस है पर इलेक्ट्रिसिटी से लाइट जलती है, आप सब हम उस पर काम कर रहे हैं. इट ऑल डिपेंड्स आप इसको इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं. तो एआई के फायदे भी हैं और अगर उसको ठीक से इस्तेमाल किया जाएगा जा रहा है तो अच्छे होगा. सुनो, हम जब भी बात करते हैं फिल्मों में गाना, बहुत अच्छी गाना सिंगर्स के लिए, बहुत अच्छी फिल्में और आपके नाम से जानी जाती है, उसमें नेशनल शोज करना, अब कुछ बचा है अचीव करने के लिए? देखिए, हर रोज़ कुछ नया होता है. आई डेंट एक्सपेक्ट कि मेरा बर्थडे आज आप लोग इतना अच्छी तरह मनाएंगे मेरे साथ में. तो कुछ ना कुछ तो अच्छा दुनिया में होता ही रहता है. मैनिफेस्ट अच्छा करते रहना चाहिए, मैं यही मानता हूँ. आप यकीन नहीं मानेंगे, मेरे साथ एक कमाल की चीज़ हुई है. अभी सलीम है यहाँ पे, आप सुन लेना, बस मैं बता रहा हूँ इनकी बात, सच्ची सच बात है, कल रात की बात है. तो मैं अभी हांगकांग में था और मैं सिर्फ जहाँ भी जा रहा था दुकान में, वहाँ सिर्फ बैग घूम, मुझे एक तो मेरा बैग आता, देखो कि मैं काला बैग लेकर घूमता हूँ, तो वो थोड़ा छोटा पड़ रहा है मुझे आजकल. तो आपको बता रहा हूँ कैसे होता है लाइफ में. तो मेरे फ़ोन नहीं आते उसमें, दो फ़ोन है मेरे पास में, फिर रियाज का भी फ़ोन है, कभी पासपोर्ट होता तो नहीं आता. तो मैं तब से जा रहा था दुकान में, बैग बैग बैग, मुझे कोई बैग नहीं मिल रहा था. तो मैंने सच्ची में बोला कि कॉस्मोस एक मेरे लाइक एक करेक्ट बैग मुझे दे दे, बस जो मैं लगा कर चलूँ और उसमें मेरे फ़ोन भी आ जाएंगे दो तीन, जो रियाज वाला भी है और पासपोर्ट भी आ जाएगा और कभी अगर वॉलेट में कुछ मेरा क्रेडिट कार्ड कुछ आ जाएगा. मैं सोचा और मुझे नहीं मिला. 12 बजे कल रात को केक काटने के लिए निवान रेडी था और अचानक सलीम मर्चेंट जी की एंट्री होती है एंड गेस व्हाट ही गिव्स मी, अ बैग. और अब से अगले कई सालों तक आप मुझे वही बैग पहने हुए देखेंगे. तो ये मैं कहता हूँ, दुनिया बड़ी हसीन है, अच्छी अच्छी चीज़ें मांगिए, मांगिए कि देना देना देना, तो सलीम मर्चेंट आ जाएंगे, गिफ्ट कर देंगे. मैंने तो एक बहुत ही एक अच्छा एक एक दोस्त, एक भाई और एक एक सच आर्टिस्ट तो है ही बाकमाल, बट बहुत सारे आर्टिस्ट हमने देखे हैं और हम सब ने देखे हैं. बड़े कमाल का इंसान जो अपनी खुशियाँ, अपनी कला, सब कुछ अपने दोस्तों के साथ, अपनी दुनिया के साथ जो बांट सकता है वो एक ही है. थैंक यू. पूरी दुनिया में मैंने इसलिए बताया कि ही गेव मी सरप्राइज लास्ट नाइट
और उन्होंने मुझे आके एक वो जो बैग जो दिया है, इनको पता नहीं कि मैं उसको बैग को लेकर रात को सोया हूँ। मैं इनको नीचे छोड़ने के लिए आया तो मैं तभी बैग लेकर आ गया, हम मुझे ये बैग छोड़ना ही नहीं है। सो एनीवे थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। अच्छा आ जाओ, हम दोनों साथ में करते। अरे 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 शुक्रन ला वल्हम्दुलिल्लाह, शुक्रन ला वल्हम्दुलिल्लाह, नजरों से नजरें मिली तो जन्नत सी मैं की फिजाए, लब ने जो लब छू लिया तो आसमां से बरसी दुआएं, ऐसी अपनी मोहब्बत ऐसी रूहे इबादत, हम पे मेहरबान दो जहां, शुक्रल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह, शुक्रल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह। To share this moment with the legend, I always call him, जैसे हमारे wonders हैं world के, हमारी music industry का अगर कोई wonder है, the first and only wonder it's Sonu Nigam. Sonu Nigam जो एक मिसाल है of hard work, of focus, of constantly, you know, giving his best across the world, and of course हम मैं तो उनसे उम्र में थोड़ा बड़ा ही हूँ, लेकिन ही इज ऑलवेज इंस्पिरेशनल टू मी, एंड हैप्पी बर्थडे सनु, ऑलवेज ऑलवेज स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे सॉलिड। जावेद सर ने जैसा कहा कि ऐसा एक रुक जाइए हां या विशिंग सोनू जी वेरी हैप्पी बर्थडे एंड टू ऑल हिज फैंस मस्ट बी रियली हैप्पी टुडे। आज यहां है सब लोग, हम भी फैंस हैं, दोस्त हैं, फ्रेंड हैं, ब्रदर्स हैं, एंड एग्जैक्टली इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जो दिखाया उन्होंने डॉक्यूमेंट करके और खूबसूरत से क्या जिस पूरा टीम को भी ऑल द बेस्ट, द इमोशंस आर ट्रू एंड ऑनेस्ट, एंड ये हम जिससे बीतते लोगों को लगता है वही कि एक स्टार है स्टेज पे आके मज़े कर देता है, लेकिन उसके पीछे जो मेहनत है और ये अभी जो खुद कह रहे कि 50 पे, तो यंग वंस व्होएवर इज वाचिंग द डॉक्यूमेंट्री रियलाइज कि ये एक साल कर लिया, 10 साल कर लिया, नहीं, ये टिल यू आर ऑन यू हैव टू डू इट, एंड एज मच एज यू डू हार्ड वर्क यू विल बी ऑन, अदरवाइज It is a process, ongoing process. So it's a beautiful documentary to show what goes behind. You know how much discipline a rock star goes behind. He looks like a rock star, but bahut discipline hota hai. That's what Sonu ji has beautifully documented. Thank you.